डियर व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर वन है, जेंडर इनइक्वालिटी रेफर्स टू। जेंडर इनइक्वालिटी हम किसे बोलेंगे? जब मैन और वोमेन को इक्वल राइट्स नहीं दिए जाएंगे, जेंडर के बेस पे हम, अगर हम जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो उसे हम जेंडर इनइक्वालिटी बोलेंगे। सो इसके अंदर जो ऑप्शन फिट होते हैं वो ऑल ऑफ दीज थ्री ऑप्शन है, तो राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। जेंडर प्योरिटी रेफर्स टू, जब हम वुमेन और मैन को डिस्क्रिमिनेट करेंगे इन मल्टीपल एरियाज ऑफ लाइफ, एजुकेशन एंड अदर राइट्स, तब हम उसे जेंडर प्योरिटी बोलेंगे। और ऐसे ही UNDPS जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इन 2014 में जो इंडिया की रैंकिंग रही थी 1 आउट ऑफ 152 कंट्रीज, वो रही थी 127, यानी इंडिया की जो रैंकिंग रही थी वो 127 रही थी। नेक्स्ट, एज पर 2011 सेंसस फीमेल लिटरेसी रेट इज एट डैश इन इंडिया। अगर 2011 की लिटरेसी रेट की बात करें तो ओवरऑल लिटरेसी रेट थी 74.4 आई थिंक, तो और साथ में जो मेल लिटरेसी रेट थी वो 82% से कुछ ज़्यादा ही थी, और फीमेल लिटरेसी रेट थी वो 60.465% थी। या आप याद रखते तो इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। वन इज़ नॉट बॉर्न बट रादर बिकेम ए वुमेन, हु सेड दिस? समवन डी बेविया, उसने बोला था ये। साक टिकेट फॉर द गर्ल चाइल्ड वॉज, कौन सा टिकेट किया था, चुना था गर्ल चाइल्ड टिकेट के लिए 1991 से लेके 2000 का जो टिकेट था उसे गर्ल चाइल्ड टिकेट बोला जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लिबरल फेमिनिस्ट, कौन सी इनमें से लिबरल फेमिनिस्ट नहीं थी, कौन नहीं थी? सुलमित फायरस्टोन, आप याद रख सकते हो। फर्स्ट एवर वुमेन चाइल्ड वुमेन राइट्स कन्विक्शन नून एज सेंसा फॉल्स, आपसे ऐसे भी पूछा जाता है फर्स्ट वुमेन राइट्स कन्विक्शन का नाम बताएं, आपको सेंसा फॉल्स बोलना है, और अगर आपसे पूछा जाएगा कब हेल्ड हुआ था तो आपका राइट आंसर रहने वाला है 1848। यूनाइटेड नेशंस एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज आल्सो नोन एज यूएन वुमेन। नेक्स्ट, व्हेन वाज द पीओसी एसओ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पासड? दिस एक्ट वाज पासड इन 2002। आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के लिए नहीं भाई, कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी आपको याद रखना है 2012 में प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट जो था उसे पास किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स मेजर्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को कैसे मेजर किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहने वाला है ऑल ऑफ दीज। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो वीडियो लंबा हो जाएगा अदरवाइज हम खुद से इनको पढ़ लेते। व्हाट आर द वेरिएबल्स विच द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एग्जामाइंस? याद रख लीजिएगा, एजुकेशन, पार्टिसिपेशन इन अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही, एजुकेशनल अटेनमेंट बिल्कुल, हेल्थ एंड सर्वाइवल बिल्कुल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, सबके सब जेंडर इनइक्वालिटी के अंदर सही। राइट आंसर कौन सा रहेगा, यानी 1, 2, 3 and 4। नेक्स्ट, द फेमस शाहबानो केस इज रिलेटेड टू मुस्लिम वाइव्स राइट टू मेंटेनेंस आफ्टर डाइवोर्स। मैच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, रेडिकल फेमिनिज्म, पेट्रियार्की बिल्कुल बोला जाता है सही है, मैट्रिक्स फेमिनिज्म, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर एंड ब्लैक फेमिनिज्म हो गया रेस। ये आपको पता है, आपको रेसिस में जब ब्लैक फेमिनिज्म से रेस ही बोला जाता है, जो लिबरल फेमिनिज्म हुआ ही नहीं करता, तो कैपिटलिज्म तो गलत है। नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ किन गैप, क्लैन, लिनेज, विलेज एंड सोशल क्लास इज नोन एज एंडोगैमी। विद इन बाउंड्रीज, कजन कजन के साथ, ऐसे आपकी जो कलेक्शन रहती है, यानी हट के शादी नहीं की जाती है, तो उसे बोल दिया जाता है एंडोगैमी बोला जाता है उसे। व्हाट इज मीन्ड बाई जेंडर डिवीजन, जेंडर डिवीजन, डिवीजन बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, शार्ट में याद रखिएगा, उसे जेंडर डिवीजन बोला जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाई टर्म फेमिनिस्ट, अ पर्सन हू बिलीव्स इन इक्वल राइट्स ऑफ द इन अपॉर्चुनिटीज ऑफ, फेमिनिस्ट किसे बोला जाता है, जो इक्वल राइट्स की मांग करता है, यानी फीमेल्स को भी इक्वल राइट्स दिए जाएँ एजुकेशन में, अदर पॉलिटिकल राइट्स, सब कुछ, ऐसे ही मेल्स को भी इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाएँ, उसे हम फेमिनिस्ट बोलते हैं। विच वन ऑफ दीज डू नॉट रेफर टू द फेमिनिस्ट मूवमेंट, इनमें से ट्रेवलिंग देम इन हाउस होल्ड जॉब्स, ट्रेनिंग इन हाउस होल्ड जॉब्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द फेमिनिस्ट मूवमेंट। विच ऑफ दीज कंट्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन इज नॉट वेरी लार्ज, सो आपको पता है हमारे इंडिया में बहुत ही कम पार्टिसिपेशन रहती है वुमेन की। इंडियन सोसाइटी ऑफ विच टाइप, इट्स पैट्रियार्कल सोसाइटी बिकॉज इट इज द फैमिली इज रूल्ड बाय मेल स्पेशली फादर। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज एक्ट्स प्रोवाइड इक्वल वेज शुड बी पेड फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन, यानी इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, यह आप याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ वर्क डू यू थिंक लेस टाइम इज स्पेंड बाय मैन, हाउस होल्ड वर्क आपको पता है बहुत ही कम टाइम स्पेंड किया जाता है, इवन तो हमारी फीमेल्स ही होती हैं, कुकिंग सब कुछ घर का काम वो फीमेल्स ही करती हैं, तो राइट आंसर तो यहीं से निकल के आ जाता है। व्हाट स्टेप टेकन टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू द वुमेन इन पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज, रिजर्वेशन फॉर इलेक्शन टू 1/3 ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु एक्सप्लेन सेक्स इज नॉट जस्ट
analytical category. It is a normative category as well. Judith Butler. Sex, gender in society is written by Anne Oakley. Next, the second sex is written by second sex ko kisne likha hai? Simon de Behavior. Which type of characters? Biological, physical characters, all of yeah, right? Genetical characters, reproductive organs, ye sab ka sab hota hai sex ke andar. To the word gender was first used by feminist during 1970s mein word gender use hua tha. Ye aap se pooch sakte hain, aapke exam mein bahut hi important hai. The term doing gender is associated with Zimmerman. Yaad rakh lena. Zimmerman used doing gender in 1987. ये था आज का वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें.